गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास थर्ड, सब्जेक्ट एनवायरमेंटल स्टडीज, चैप्टर नंबर 4, डायरेक्शन एंड मैप। लास्ट पीरियड में हमने देखे थे कि मेन डायरेक्शन कौन सी है। मेन डायरेक्शन 4 है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, यह मेन डायरेक्शन। मेन डायरेक्शन कैसे निश्चित करते हैं? राइजिंग सन के सामने फेस करके खड़े हो जाओ तो राइजिंग सन की दिशा है ईस्ट। अपने ठीक पीछे जो दिशा, जो डायरेक्शन है वो है वेस्ट। अपने लेफ्ट हैंड पे जो है वो है नॉर्थ और राइट हैंड पे जो है वो साउथ, ये हमने देखे थे। अभी समझो आपका घर जहां भी है, आपके घर के सामने आप बाहर खड़े रहो और दिशाएं कैसे निश्चित करते हैं ये हम ये पिक्चर में देखेंगे। समझो ये है आपका घर, आपके घर के ठीक बाहर खड़े रहो, जहां सनराइज होता है वो कौन सी डायरेक्शन, कौन सी बाजू में होता है? समझो आपका ये घर है, आपके घर के ईस्ट साइड में यानी सामने की साइड में सनराइज होता है। सनराइज के सामने मुंह करके खड़े रहो तो वो होती है ईस्ट। ये कौन सी है? ईस्ट। उस ईस्ट के सामने फेस करके खड़े रहो, आपके ठीक पीछे की डायरेक्शन कौन सी होगी? वेस्ट। ये होगी ईस्ट और वेस्ट, दो हो गए। ईस्ट के सामने फेस करके खड़े रहो, ठीक आपका लेफ्ट हैंड जो है, लेफ्ट हैंड की कौन सी दिशा होंगी? कौन सी दिशा होंगी? नॉर्थ। कौन सी होंगी? नॉर्थ। और नॉर्थ के अपोजिट साइड की साउथ। ये हो गए आपके घर की मेन डायरेक्शन, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। सबकी एक ही एक जैसा होगा क्या? सबका नहीं, सबका घर अलग अलग होता है, सबकी घर की डायरेक्शन भी अलग अलग होंगी, तो सबने अलग अलग करना है। अब ये सिर्फ डायरेक्शन हो गई। आपका, आपके एरिया में आपका घर एक ही है क्या? नहीं, आपके आसपास में बहुत सारे हाउसेस है, ट्रीज है, रोड है, ये आपके घर में आपको दिखानी है। देखो आपके घर में कुछ नेबर्स होंगे, नेबर्स यहाँ आप दिखा सकते हो। नहीं, ये है नेबर्स की घर, ये नेबर्स है आपके। आपको शॉप दिखाना है, यहाँ होगा आपका शॉप। फ्रिज हमारे घर के आजू बाजू में आसपास फ्रिज होते हैं, यहाँ हम फ्रिज दिखा सकते हैं। ये है फ्रिज। और रोड, रोड तो होता ही है, आप ऐसे ये रोड दिखा सकते हो। और बस स्टॉप होगा, बस स्टॉप भी दिखा सकते हैं। बस स्टॉप कौन सी साइड पे है? ये है बस स्टॉप। इतनी सारी चीजें आपके घर के आजू बाजू में होंगी तो आपका घर कितना सुंदर लगेगा, ब्यूटीफुल लगेगा। ये सभी आपको इस पिक्चर में घर में करना है। ये हो गया डायरेक्शन। बाद में एरोप्लेन से कोई लोग यहाँ के वहां जाते हैं, शिप में जाते हैं, तो शिप में और एरोप्लेन में डायरेक्शन कैसे समझ में आएगी? उसके लिए हम कंपास का उपयोग करते हैं। काय का यूज करते हैं? कंपास। कंपास ये है, इसको बोलते हैं कंपास। मराठी में हम बोलेंगे होका यंत्र। क्या बोलेंगे? होका यंत्र। ये कंपास की, कंपास में एक मैग्नेटिक निडल होती है, वो मैग्नेटिक निडल सिर्फ दो ही डायरेक्शन दिखाती है, नॉर्थ और साउथ। वो नॉर्थ और साउथ ये दो डायरेक्शन दिखाती है। इसका उपयोग हमें एरोप्लेन में जाते समय या शिप में जो दिशाएं यानी डायरेक्शन सुनिश्चित करने के लिए होता है। हर रोज सनराइज होता है, हर रोज सनसेट होता है, तो ये होका यंत्र, सॉरी कंपास जो है इसकी, ये जो मैग्नेटिक मिरर है ये कौन सी डायरेक्शन दिखाती है? नॉर्थ और साउथ। आज के लिए इतना ही काफी है। आप आज का आपका होमवर्क, ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर मैंने सिर्फ नाम लिखे हैं,
आप इसमें पिक्चर बना के ये पूरा पिक्चर करना, अपनी बुक में ही पिक्चर पूरा करना है। और ये जो पिक्चर दिखाया गया है इसके नीचे कुछ सवाल दिए हैं, कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उसके जवाब आपको लिखने हैं अपनी कॉपी में। ओके,